नमस्कार दोस्तों दोस्तों जैसा आपने आज थंबनेल देखा है उसी से आपको आइडिया हो गया होगा कि सरकारी नौकरी कैसे मिले। आज से आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी डेफिनेटली स्टार्ट हो जानी चाहिए। सरकारी नौकरी के अंतर्गत हम जा करके किसी भी सरकारी कार्यालय में क्या करते हैं, किसी भी कार्य करने की प्लान करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं अलग अलग टुकड़ों में, है ना। अगर उदाहरण लेता हूँ मैं आपके बजट की, तो बजट में भी हम बनाते हैं कि किस किस मद पे हमको कितना कितना खर्च करना है। तो इसी तरह सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए भी आपको लिखित वर्क भी करना पड़ेगा, याद करने के साथ साथ बोलने के साथ साथ रिटर्न काम भी करना पड़ेगा। अगर आप सरकारी नौकरी की तरह सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। कारण है, सरकारी नौकरी आप कम से कम 7 घंटे से करें, 9 घंटे तक की ड्यूटी कर सकते हैं। हम 9 घंटे की आज बात नहीं करेंगे, हम मात्र 7 घंटे की बात करते हैं। उसमें भी आपका 1 घंटा हम लंच का लेते हैं, जबकि आधा घंटा सरकारी जॉब में लंच का मिलता है। तो 7 घंटे की शिफ्ट को तोड़ लेते हैं 2 भागों में, 3 घंटे मॉर्निंग शिफ्ट, 3 घंटे आफ्टर लंच। ठीक है दोस्तों, तो आफ्टर लंच के बाद वाला प्रोग्राम अलग रखिए। सबसे पहले है बिफोर लंच, आपकी 3 घंटे की जो शिफ्ट मान के चलते हैं उसमें याद करने वाली चीज़ें करिए। हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल स्टडी है, GK जिसको हम बोलते हैं, है ना, या GS जो भी आप नाम दें उसको, तो ये घंटे पहले करिए। क्योंकि आप जब उठेंगे सुबह करेंगे, आपका माइंड थोड़ा अच्छी खासी तरह से फ्रेश होगा। फ्रेश वाली चीज़ें पहले रखिए ताकि आपकी मेमोरी में वो याद किया हुआ लंबे समय तक रहे। लंच वंच के बाद थोड़ा बैठ करके पढ़ने में दिमाग भी थक जाता है, तो मैथ रीजनिंग वाले क्वेश्चंस बाद में कर सकते हैं। बात मैथ रीजनिंग की है, इंग्लिश की है, तो हमारी मातृभाषा हिंदी होने के साथ साथ जब हम सामान्य हिंदी वगैरह पढ़ते हैं तो उस पर हमको लगता है कि हमारी पकड़ थोड़ी अच्छी है, उसको कम समय दें। इंग्लिश को थोड़ा उससे ज़्यादा समय दें, और GS का कोई एक पैरामीटर नहीं है कि कहाँ से GS पूछ लेगा, तो GS को आप हिंदी इंग्लिश से ज़्यादा समय दें। मैथ के अगर आपके फंडे क्लियर नहीं है तो मैथ भी कैलकुलेशन में बहुत समय लेता है। हाँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स या आपके कोचिंग जहाँ करते हैं या आपके फ्रेंड्स लोग आपको शॉर्टकट बताते हैं कि इस तरह ये क्वेश्चन होगा, लेकिन मैं बार बार फंडामेंटल चीज़ों पर ही जोर देता हूँ कि जब तक आपको फार्मूले, फंडामेंटल चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको पता नहीं होगा, तब तक आप शॉर्टकट विधि से सक्सेस नहीं होंगे। कहीं ना कहीं किसी भी क्वेश्चंस में अटक जाएंगे, भटक जाएंगे। मैथ रीजनिंग को आप थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिए। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको अपना सेट करना पड़ेगा कि मुझे 45 मिनट हिंदी को देने हैं, 1.5 घंटा इंग्लिश को देना है, 1.5 घंटा इंग्लिश को देना है, उसके साथ साथ ही 2 घंटे मैथ और रीजनिंग को देने हैं। घर के अंदर किसी कॉर्नर में टेबल डाल करके बैठ जाइए कि अब 7 घंटे के लिए मैं ऑफिस ड्यूटी कर रहा हूँ, और 1 से 2 साल की मेहनत कर लीजिए।